तुम ना हुए मेरे तो क्या, तुम ना हुए मेरे तो क्या। मैं तुम्हारा रहा, मेरे चंदा मैं तुम्हारा सितारा रहा, रिश्ता रहा बस रेत का। चीकू गिरी का एक स्टेप की वजह से नुपुर आंटी और मिलन अंकल की थोड़ी बट्टी तो हो गई। अब उनके रिश्ते को एकदम टिप टॉप बनाएगी मैं। वो काढ़ा लेने आई थी, मैं यहाँ रखा था, दिख नहीं रहा है भी। हाँ, टेबल पर पड़ा। इसका तो बदन टूटा हुआ है। मिलिन, उतारो मत। अच्छा हुआ आपने नुपुर के माँ बाप को नहीं बुलाया, वरना सबका मूड ऑफ हो जाता। अच्छा अब तुम लोग जाओ और अच्छे से तैयार हो जाओ, पूजा के लिए समय से नीचे आ जाना। जी आई। आई, आज पूजा के बाद में मुझे थोड़ा बाहर जाना है, कुछ दान धर्म का काम है, मैंने पहले ही बोल के रखा था, चलेगा ना? ठीक है। नुपुर आंटी के आई बाबा को तो बुलाया ही नहीं। दान धर्म? कितना पुण्य कमाओगी तुम कामनी? दान धर्म से ज्यादा जरूरी होता है कर्म, वही करने के लिए मुझे जाना है। आज हमारे प्लान का ट्रम्प कार्ड खेलने का समय आ गया है सुबूत। लेकिन तुम करने क्या वाली? अरे भाई मुझे भी इस पुण्य का थोड़ा भागीदार बना दो। मैं एक ऐसे इंसान से मिलने जा रही हूँ जो मेरा प्लान कामयाब बनाने में मेरी मदद करेगा। आज के शुभ मुहूर्त पे मेरा उस इंसान से मिलना बहुत जरूरी है। इतनी सारी चीकू खीरी की पंसारा पिलन तो पोपट हो गया। वो डिस्काउंट दादी ने तो नुपुर आंटी के आई पापा को बुलाया ही नहीं। नुपुर आंटी, चीकू लो बेटा आपका काढ़ा पिलो से। नहीं नहीं नुपुर आंटी, अभी ना मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है, मैं ठीक हूँ। अच्छा, अभी 10 मिनट पहले तो आपकी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी, ठीक कैसे हो गई? पता है मुझे सारा बहाना है, काढ़ा तो पीना पड़ेगा, चलो पियो। मैं भूल रही ना, मैं एकदम बरोबर है, कोई जरूरत नहीं अभी। ये पियो और बरोबर हो जाओगी। जास्ती टेंशन है मेरे ऊपर।
ऊपर से नुपुर आंटी ने कड़वा काढ़ा और पिला दिया। मेरे को जल्दी से दादू के पास जाना होगा, उनको बताना पड़ेगा, कोई नया प्लान बनाना पड़ेगा। चीकू चलो थोड़ी देर आराम करो यहाँ पे, मैं भी आपके साथ थोड़ी देर लेट लेती हूँ। हाँ नुपुर आंटी अभी सोना भी है? नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है सोने होने की, मेरा फुल गुड मॉर्निंग चालू है। आराम करने की आपको बहुत जरूरत है, तबीयत आपकी ठीक नहीं थी ना, चलो अभी के अभी आराम करो। नुपुर आंटी मैं बोल रही है ना, मेरा फुल गुड मॉर्निंग है, क्या जरूरत है सोने होने की। चीकू अगर आपने आराम नहीं किया ना तो मैं क्या करूंगी, मैं दवाई नहीं खाऊंगी। गुड नाइट। गुड नाइट हो गया ना नुपुर आंटी, आप सो, मैं भी सो जाती हूं। गुड नाइट। सो जा। पापा जी आपको ही कुछ के लिए अब्बा चुप करना पड़ेगा अब तो। इल्टीज पापा जी। आई मैंने ये मंगाए, कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, काम ही नहीं। आई पापा। आई नमस्ते। अच्छा मामा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। बाबा कैसे हैं आप? ठीक हूँ। खुश रहो। आई नमस्कार सावित्री जी। नमस्कार। नमस्ते। एकदम सही टाइम से आ गए हो आप लोग, पूजा का मुहूर्त हो गया है, चलो पूजा की शुरुआत करते हैं। हाँ हाँ चलो। नुपुर आंटी के आई पापा को तो ना ठिशकियों दादी ने पक्का टांग दी थी, पूजा शुरू होने वाली और नुपुर आंटी के आई पापा अभी तक नहीं आए। और तो नुपुर आंटी भी घर की पूजा में पूजा नहीं कर रही है, बाहर मंदिर जा रही है। दादू से भी बात करने का चांस नहीं मिल रहा, हमारे पेरेंट टिप-टॉप का तो ना फुल अंडा पांव पिच क्यों हो रहा है। मिलन साथ में नहीं है तो ना सही, मैं अपनी पायल और चीकू के लिए पूजा करने मंदिर जरूर जाऊंगी। चीकू कहाँ चली गई? चीकू क्या हो गया आपको, इतनी सैड क्यों दिख रही हो आप? नीचे फिर किसी ने कुछ कहा क्या आपको? चीकू प्लीज मुझे बताइए क्या बात है। नुपुर मैम आपको नीचे बुलाया है। विनोद जी आप प्लीज नीचे जाके कह दीजिए कि पूजा में नीचे तो मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। पर मैम आपके आई बाबा आए हैं इसीलिए उन्होंने नीचे बुलाया है। क्या? हाँ सच्ची मुच्ची? हाँ टिंक चिका टिंक चिका टिंक। आई बाबा को बुलाया है? पिछली बार उनकी बेइज्जती करने में कमी रह गई थी क्या, जो आज फिर बुला लिया? आज कुछ भी हो जाए ना मैं उन लोगों को अपने आई बाबा की बेइज्जती नहीं करने दूंगी। खुश रहो। खुश रहो बेटा, आप दोनों को यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा। हैप्पी धनतेरस। आपको भी हैप्पी धनतेरस हमारी तरफ से। विनय हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। हैप्पी धनतेरस। पापा जी आप तो बहुत सॉलिड हो। वाह थैंक यू पापा जी, टिशकियों दादी ने छप्पी दे के पट्टी कर ली, मेरा दिल मस्त डांस मार रहा है। क्या हुआ नुपुर आंटी, सरप्राइज हो गई ना? पर मैं नहीं हुई, मालूम है काय को? क्योंकि मैंने टिशकियों दादी को पहली बात करते हुए सुन लिया था, वो आपके आई पापा से डिशुम डिशुम करके बहुत सैड है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा, इसके लिए वो आपके आई पापा को फिर से बुलाना चाहती है उनसे बट्टी करने के वास्ते। चीकू नुपुर खुश रहो बेटा। गुड्डी
कैसी तबीयत है बेटा? आप दोनों को देख लिया ना बाबा, एकदम ठीक हो गई। सावित्री जी ने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आते। आबाजी, उस दिन जो भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। सारे गिले शिकवे भूलकर आप हमारे साथ पूजा में शामिल होंगी तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया। मना मत कीजिएगा आबाजी। हमारे और अपनी बेटी के लिए आज धनतेरस की पूजा हमारे साथ करिए। सावित्री जी, आप इतने मान से बुला रही हैं तो हम मना कैसे कर सकते हैं? हम जरूर आएंगे। शुक्रिया आबाजी। थैंक यू आई। खुश रहो। पापा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आप हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहा कीजिए, बहुत अच्छे लगते हैं। से इतनी मूडी होगी? नूपुर के आई बाबा को आपने ही बुलाया है। वो क्या है ना कामिनी, उस दिन जो हमारे घर में लड़ाई झगड़े हुए, उस दिन से शशि बहुत ही उदास रहने लग गए। एक सावित्री है जो सत्यवान के प्राण लेकर आ गई। अगर वो सावित्री इतना कर सकती है तो मैं सावित्री अपने पति की सेहत और उनकी खुशी के लिए इतना तो कर सकते हो ना? बाबा तो बोल ही नहीं सकते, फिर आई ने ये कौन से वाईफाई से डाउनलोड कर लिए उनके मन की बात। धनतेरस, ये प्रसाद के लाडू हैं दादी। अपन दोनों का जो पीला एंड टिप टॉप है ना, वो एकदम पटरी पे है। हैप्पी होके ना ये खा लो। ये हुई ना बात। थैंक यू दादू। पापा जी खुद तो नहीं आ सकते मेरी हेल्प करने के वास्ते, उनको बहुत सारे काम रहते हैं। इसके लिए उन्होंने ना मेरे को आपसे मिलवा दिया। आपने जो मेरी हेल्प की है ना दादू, पहले तो आपका जो ये प्लान था ना, आपने जो मेरे को आइडिया दिया, ये ना परफेक्ट चिपका है दादू। बोले तो किशक्यों दादी ने ना सारी दादी ने ना सच्ची में नूपुर आंटी के आई बाबा को फोन करके इधर बुला लिया और उन्हें जोड़ के झप्पी भी दिया, बट्टी भी कर ली। पर अभी पिक्चर बाकी है दादू, अपने को ना अपना जो ये पिलेन टिपटॉप है ना और अच्छे से जमाने का, बस आप ना मुझे ऐसे ही हेल्प करते रहो तो 100% सब टिप टॉप हो जाएगा। तो ये सब इसकी करामात है। चीकू के वाईफाई का नेटवर्क तो अब मैं वीक करूंगी।
एक्सक्यूज मी, ये चीकू का हाउस, मेरा मतलब है उसकी झोपड़पट्टी खोली व्हाटएवर, कहाँ है? थैंक यू चीकू, तेरे घर तो मैं पहुंच गई, अब देखना कैसे मेरे घर से तुझे आउट करती हूँ। दादू, डांस करने में ना बड़ा मजा आता है, पर अगर कोई साथ में डांस करने को हो ना तो दिल डांस मारता है। अभी सावित्री दादी ने तो अपना डांस स्टेप कर दिए, पूछो कैसे? नुपुरा आंटी के आई बाबा को सारी भूल गई। अभी नुपुरा आंटी की बारी है, जो दादी को मांगता है ना वही हम लोग को ना नुपुरा आंटी से कराने का। दादू, मैंने ना विनोद काका को किसी से बात करते हुए सुना है कि हर साल दिवाली पे नुपुरा आंटी घर पे फरसान बनाती है, तो वो इस साल ही खाली गोची मार रही है। पर अगर नुपुरा आंटी फरसान बनाने को रेडी हो जाएंगी तो सावित्री दादी बहुत खुश हो जाएंगी ना। दादू, शायद से दादी ना इसी तरफ आ रही है, मेरे पास ना एक तोड़फोड़ आईडिया, अभी मैं कुछ भी अगड़म चगड़म बोलेगी ना आपको खाली हाँ में मुंडी हिलाने का, ठीक है? दादू, आपको मालूम है जब मैं अपनी बस्ती में थी ना तो हमारी बस्ती में ना हर साल दिवाली पे बहुत मजेदार पार्टी होती थी, बोले तो चिप्स, पॉपकॉर्न, काला खट्टा, बर्फ का गोला, पाव भाजी, बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आता था। आपके यहाँ भी दिवाली पे ऐसी पार्टी होती रहेगी ना? तो फिर आपके यहाँ भी चिप्स, पॉपकॉर्न ये सब मिलता रहेगा ना? तू यहाँ पर क्या कर रही है? मैं बस दादू के नाखून काट रही थी, अभी दिवाली की पार्टी में पॉपकॉर्न, चिप्स ये सब खाएंगे तो के नाखून गंदे हो जाएंगे ना, इसके वास्ते। हमारे यहाँ दिवाली में पॉपकॉर्न और चिप्स नहीं होते। नहीं होते? दादी पन काय को नहीं होते, ऐसे तो दिवाली फुल सैड हो जाएगी ना। हमारे यहाँ घर पे ही सारी चीजें बनती है, नमक पारा, शक्कर पारा, बेसन के लड्डू, नारियल के लड्डू, ये सब जोशी परिवार की सालों से ही परंपरा रही है। मंजे, इस साल दिवाली पे घर का फरसान खाने को मिलेगा? नहीं, इस साल सारी चीजें बाजार से आएगी। काय को दादी, बाजार से काय क्या आएगी, घर पे बनाना चाहिए ना। मैं तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आई हूँ यहाँ, तू जा। हाँ मैं नहीं रही। दादू के नाखून तो मैंने काट दिया, पर इस साल ना घर पे फरसान नहीं बनने वाला। मेरे को मालूम है आपके मुंह में भी पानी आ रहा है, पानी घटक जाओ वापस अंदर। फरसान नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, नहीं बन सकता तो क्या कर सकते हैं? हाँ मैं बस जा रही थी, सॉरी। ला चल, सामान तोड़ो, फोड़ो, फेंको, जो करना है करो, लेकिन मुझे खोली फटाफट खाली चाहिए, क्या फास्ट एकदम। क्या? मेरी बात सुनो काका, मैं मर थोड़ी रही है, मैं दे देगी ना पैसा, थोड़ा जास्ती टाइम ही तो मांग रही है, मेरे पास अगर पैसा होता मैं काय को नहीं देती। एक बार मेरे बच्चों की तरफ तो देखो, दो दिन से उन्होंने निवाला मुंह में डाला नहीं है, आपको लगता है कि आपका पैसा मैं दबा के बैठेगी? अरे दे देगी ना पैसा, लेकिन नहीं चाहिए मेरे को, मेरे खोले के अंदर भिखारी लोगों को रखना ही नहीं है। नहीं तू टाइम खोटी मत कर, अब तेरी ये भिखारी मंडली है ना, इनको लेकर तू चल निकल इधर से, चल निकल से। प्लीज 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 कह रही है मैं, दे देगी ना पैसा, ऐसा काय को कर रही है तू? जो भीख मांग उनको आवाज नीचे करके बात करनी चाहिए, समझे ना? अभी ज्यादा आवाज मत कर, निकल इधर से, निकल, बहुत मचमच हो गई तेरी, चल। ए बच्चे लोग, तुम्हारा सामान उठाओ, चलो। चीकू की खोली यही है क्या? प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।